ही नहीं गई बट एज एन हिस्ट्री एंथुसियास्ट मेरा हमेशा से मन था वहां जाने का। अल्टीमेटली इट वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मराठा एम्पायर। वहां पर एक फोर्ट है कॉल्ड शनिवार वाडा जिसको बाजीराव वन ने बनवाया था। 3 मंजिला का ये फोर्ट उस टाइम का सबसे ताकतवर और फॉर्मिडेबल फोर्ट था। पर आज ये सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह है पुणे की। कहानी शुरू होती है जब 18 साल के छोटे बालक नारायण राव को पेशवा का टाइटल मिलने लगता है तो उनके जो अंकल होते हैं रघुनाथ राव की बीवी ये बात पसंद नहीं आती और वो प्लॉट करते हैं उनका ग्रूसम मर्डर विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइबल ग्रुप गार्दी। उनकी मदद से नारायण राव को पकड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके वहीं पर एक नदी में बहा दिया जाता है। उस टाइम से लोकल लेजेंड ये कहता है कि फोर्ट में जो भी रहता है जो भी पॉपुलेट करता है फोर्ट को उनकी काफी ग्रूसम डेथ होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर 7 बजे के बाद आप उस फोर्ट में जाओ तो आपको नारायण राव की चीखें सुनाई देंगी। इसीलिए सरकार ने भी वहां एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रखी आफ्टर 6:30 PM। आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो डू दिस फोर्ट बिफोर 6 PM एंड इसीलिए मैं पुणे आने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको सोशल स्टडीज पढ़ाने वाली हूँ ऑन आवर ऑफलाइन इवेंट जिसके डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगे। कम ऑन गाइस,